तुमस्यं मातः पवतां कामे अस्मि। Yeah,
प्राचीन काल से भारतवर्ष एक अध्यात्म आधारित आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय ऐसा चलने वाली जीवन प्रणाली को दे रहा है। वेदों में उसी का आध्यात्मिक आधार प्रत्यक्ष आचरण उसके लिए आवश्यक उपासना आदि आदि सब बातों का ज्ञान है और इसलिए वेदोखिलम धर्ममूलम ऐसा हम कहते हैं। समय समय पर हमारे महापुरुषों ने इसी जीवन का संदेश दिया है और आधुनिक काल में भारत के नवोत्थान में मूलाधार वही रहा है। अनेक समस्याओं से जूझते जगत को यह धर्म का मार्ग सिखाना, सबको अपना मानकर सबके लिए जीना, और इसलिए श्रुति धर्म का रक्षण करते हुए सभी धर्मों की वंदना करो, ये भारत के नवोत्थान के मूल में भी वही महामंत्र है। और आज के इस उत्थान के जो उद्गम में संपूर्ण भारत को, भारत जन को इससे अनुप्राणित करने के प्रयास है, उनके मूल में जो महापुरुष है उनमें से एक श्री माणिक प्रभु हो गए। जहाँ पर अपना केंद्र बनाकर उन्होंने ये कार्य किया है वहीं पर से उन्हीं के द्वारा प्रवर्तित इस संप्रदाय से ये काम आज भी हो रहा है, ये देखकर संतोष लगा, क्योंकि भारतवर्ष के नवोत्थान के प्रक्रिया प्रारंभ बहुत पहले हो गई लेकिन अभी उसकी पूर्णता बाकी है और पूर्णता होने तक ये सारी प्रेरणा वैसी की वैसी चलते रहना आवश्यक है। वो काम हो रहा है ये देखकर मुझे अत्यंत संतोष हुआ।